गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित गेमिंग। एंड हाउ आर यू ऑल गाइस, कमेंट बिलो आप लोग कैसे हो। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, अंकित गेमिंग पे। तो भाई वेलकम करते हैं सब लोग का। तो भाई वीडियो को है एंड तक वॉच करना, और भाई आखिरी में किस शॉट भी मारा है तो वीडियो को इसीलिए एंड तक वॉच करना, बहुत ही मज़ेदार किस शॉट है, ठीक है। और अपोनेंट सीधा खेल रहा था भाई, फिर भी अपन ने आखिरी में पोजीशन ऐसी मिल जाती है तो मैं बोल देता हूँ हाँ भाई चलो एक किस शॉट खेल लेते हैं। तो वो स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा आपको, और भाई वीडियो को एंड तक वॉच करना, ठीक है। तो गिव अवे की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है जाके जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों गिव अवे का, 10 बिलियन कॉइन्स का भी गिव अवे का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और 50 अकाउंट्स के गिव अवे का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ यार जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेटर्स, जाके जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो और जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। गाइस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फॉलो नहीं करता उसका कमेंट डिसेबल हो जाएगा अपने आप रैंडम पिकर से। तो जाके रूल्स फॉलो करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ब्रो। तो यहाँ पे आ जाते हैं गेम की तरफ। तो भाई गेम लग चुका है अपना 513 या 518 लेवल वाले के साथ पे। तो देखते हैं भाई क्या कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया है तो मैं नॉर्मली खेल के छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई सारे बॉल मतलब सारे बॉल फंसे पड़े हैं सॉलिड के, मैंने देखा नहीं ठीक से, ध्यान नहीं दिया, इसीलिए सारे बॉल फंसे पड़े हैं, वरना मैं स्ट्राइप सेलेक्ट कर लेता। और यहाँ पे हमारे अपोनेंट भाई साहब स्ट्राइप सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, अपन ने स्ट्राइप सेलेक्ट कराया है भाई को। तो भाई दो बॉल पॉट किया एक ही शॉट पर, बहुत ही मज़ेदार। और भाई क्या ही बताऊँ भाई, और क्या ही बताऊँ यार, अपोनेंट का जब तक गेम चलता है क्या ही बताऊँ मैं आपको भाई, इतना गंदा पीटा है ना भाई आखिरी वाले बंदे को, मतलब भाई वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भाई ये पोजीशन पे ऐसा कोई की शॉट खेल सकता है, मतलब भाई लिटरली बता रहा हूँ। और ये कोई फ्लुक व्लुक नहीं है भाई, मैंने एकदम परफेक्ट स्पिन परफेक्ट टाइमिंग पे प्ले किया तब जाके वो की शॉट लगा भाई, मतलब अलग लेवल पे, बहुत ही अलग लेवल पे की शॉट था भाई, बहुत ही अलग लेवल पे, मतलब भाई एकदम जहर वाला। ज़्यादा क्वेश्चन टच नहीं है, ऐसा गॉड फादर वाला नहीं था, बट एकदम मीडियम रेंज पे एकदम सिंपल सा किशन शॉट किस शॉट था, बहुत ही मज़ा आया भाई प्ले करके, मतलब भाई अपोनेंट तो भाई मुंह पे हाथ लगा लिया होगा भाई, उस लेवल पे था। और पोजीशन अपोनेंट को इतनी बेहतरीन मिलती है भाई, अपने को एनी टाइम कोने में पड़ी मिलती है, तो भाई ये वाला सीन है अपने साथ। तो और यहाँ पे मैं प्ले करना चाहता हूँ ग्रीन बॉल को, एक बैंक शॉट प्ले करूँगा ब्राउन के बाजू से, अपोनेंट के ब्राउन के बाजू से बैक स्पिन यूज़ करके, ताकि भाई पोजीशंस बने, क्योंकि भाई ब्राउन की पोजीशन ऐसी है ब्लैक बीच में है, उसको कहीं पे नहीं खेल सकते, नीचे भी नहीं खेल सकते क्योंकि ग्रीन है वहाँ पे। तो ये वाला सीन है गाइस उसके साथ में। और फिर मैं यहाँ पे बेवकूफ़ों वाली हरकत करके मैं येल्लो को प्ले कर लेता हूँ, और येल्लो को प्ले करने के बाद फिर से सेम सिचुएशन आ जाता है जैसे पहले था, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार पहले पर्पल टू ब्लू खेल लूँ, एक कॉम्बो शॉट कनेक्शन शॉट खेल लेता हूँ, बहुत दूर का सफ़र है बट खेल लेता हूँ, देखते हैं भाई कॉम्बो शॉट जाता है कि नहीं। देखो भाई मतलब ये वाला कॉम्बो शॉट ना भाई, ऐसा वाला कॉम्बो शॉट भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्ले करने पे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, यकीन मानो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो भाई एकदम क्या ही बताओ भाई, फट के हाथ में आ जाती है। और बर्लिन जैसे टेबल पे तो वो तो बहुत मुश्किल है भाई। और यहाँ पे पॉट कर दिया अपन पर्पल बॉल भी टॉप मिडिल में, और इसके बाद में ब्राउन को प्ले करेंगे लेफ्ट साइड डाउन पॉकेट में, और फिनिश करेंगे यहाँ पे गेम को। ऑलमोस्ट ब्लू भी ब्राउन भी पॉट हो चुका है, अपोनेंट का भी ब्राउन पॉट हो चुका है। तो भाई देखो सिंपल सा गेम है, मिडिल पे प्ले करेंगे, फिनिश करेंगे, और थोड़ा सा फ्रंट स्पिन यूज़ करेंगे ताकि भाई अपना लेफ्ट टॉप में ना यूज़ मतलब स्क्रैच ना हो जाए वाइट बॉल, इस एंगल से जा सकता है, थोड़ा सा फ्रंट स्पिन यूज़ करोगे तो एंगल कवर्ड हो गया है, देख ले आप, देख लिया आपने, एंगल कवर्ड हो जाता है। और यहाँ पे अपना ग्रीन बॉल ने बचा लिया है अपने वाइट को, वरना स्क्रैच हो जाता। तो भाई कुल मिला के भाई लक एकदम बेस्ट पे था, तो इसीलिए ऐसा गेम अपन ने विन किया है। और एक सोलो टॉवर्स में मैच खेलते हैं, मतलब भाई बर्लिन इंसान टेबल देख के पक जाता है, सोलो टॉवर्स में मैच खेलते हैं, तो जो कि 10 मिलियन का टेबल है। तो भाई 10 मिलियन के टेबल पे आ जाते हैं, और सीधा यहाँ पे 500 एम कॉइन्स हो जाएंगे अगर ये जीतते हैं तो, ठीक है ब्रो। तो यहाँ पे 227 लेवल का खान साहब गिरा है मैच में, तो भाई
रेस्पेक्टफुली इन्फॉर्नो की उसे भाई खेल रहा है, तो देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। और भाई ये ब्रेक यकीन मानो भाई, ये ब्रेक जब भी करते हो ना भाई, 101% अगर पूरा बैक स्पिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया हुआ है आपने, तो भाई स्क्रैच होती है आपका वाइड बॉल, जैसे कि भाई का हो गया, या तो राइट साइड डाउन में स्क्रैच हो जाएगा, या तो लेफ्ट साइड डाउन में स्क्रैच हो जाएगा, नहीं तो टॉप मिडिल में स्क्रैच हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी स्क्रैच हो सकता है भाई। तो भाई वो ब्रेक अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो यहाँ पे देखो यार, बंदे ने ब्रेक दिया तो गेम भी दे दिया है अपने को, एकदम सिंपल सा गेम है। और यहाँ पे फिनिश करेंगे सिंपल से गेम पे, सिंपल से शॉट्स प्ले करके। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने बचे हैं 5 बॉल, ब्लू को प्ले किया, बचे हैं 4 बॉल। तो देखते हैं भाई पोजीशन क्या बनी है, एक कॉम्बो शॉट खेलते हैं दूर का, कनेक्शन शॉट येल्लो टू ऑरेंज। तो देखते हैं भाई सिचुएशन क्या होता है, पास होती है तो भी ठीक है, नहीं पास होता है तो भाई अपोनेंट के लिए वो भी ठीक है। तो यहाँ पे पास होना मस्ट इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, गेम है भाई, गेम में कुछ भी हो सकता है। और भाई मतलब दूर का देखो भाई, नज़दीक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन शॉट जब खेलते हो ना वो तो इजी होता है, बट जब ऐसे आड़े ताड़े आड़े टेढ़े कॉम्बिनेशन शॉट मिलते हैं ना भाई, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बर्लिन में अपने को मिला था वो तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, और ये तो भाई थोड़ा सा ईजी है, देख के मार लोगे फ़ोन टिल्ट करके तो भाई ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बॉल फिनिश हो चुके हैं, मैं येल्लो प्ले कर रहा था, मैं सोचा भाई अगर मैं इसको फोर्सफुली मारता हूँ तो अपना बॉल अगर दफन हो जाएगा ग्रीन व्रीन या और रेड के नीचे से स्क्रैच भी हो सकता है, तो मैंने बोला भाई क्यों ना भाई पर्पल से येल्लो खेल लेते हैं, और एकदम परफेक्टली डाउन साइड पे चले जा चुकी है, और उसके बाद में भाई पर्पल खेल लेते हैं, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो भाई मैंने यहाँ पे दिमाग का यूज़ किया तो गेम लिया, वरना भाई देखो आप कभी मारते हो ना टॉप से तो नीचे की तरफ बहुत ही फोर्सफुली ट्रैवल करता है, और रेड के नीचे से लेफ्ट साइड पे स्क्रैच हो सकता था। अगर बैक स्पिन यूज़ करते हो तो ग्रीन को लग के ब्राउन के पीछे छुप सकता था। तो भाई इतना ख़तरा लेना क्यों, सीधा सा सिंपल सा गेम है, तो सिंपल सा दिमाग लगा के फिनिश कर दिया अपन ने। और यहाँ पे अपोनेंट को भेज दिया है घर पे, खान भाई जा चुके हैं अभी, तो मतलब घर पे भाई। तो यहाँ पे आ जाते हैं आखिरी वाले बर्लिन गेम पे, जिस पे अपन ने किस शॉट चिपकाया था अपने प्यारे से अपोनेंट को, जिनका नाम आप देख ही सकते हो, अजीजुल करके नाम है भाई का। तो यहाँ पे भाई भाई का लेवल क्या है, 401 भाई का लेवल है। तो यार यहाँ पे जस्ट अपन का ब्रेक है और एक बॉल पॉट हुआ है, जस्ट एक स्ट्राइप। तो देखो भाई गेम एकदम सिंपल सा लग रहा है मेरे को, बट थोड़ा सा ब्लैक दिक्कत दे सकता है, और बाकी के तो अपने स्ट्राइप्स खुले हैं। एक यहाँ प्यारा सा बैंक शॉट मारा है ऑरेंज बॉल को इधर उधर करते हुए, और फिनिश कर दिया है, ग्रीन बॉल पास हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी ऑरेंज को प्ले करेंगे, ठीक है, स्ट्राइप्स के ऑरेंज को प्ले करेंगे। मैं बैंक शॉट अवेलेबल है क्या देख रहा था, बट अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ एक सिंपल सा शॉट, जो कि डायरेक्ट बोल सकते हो, बोल क्या सकते हो भाई, डायरेक्ट ही है। और येल्लो को भी पास कर दिया है यहाँ पे अपन ने, और उसके बाद पर्पल को डाउन साइड मिडिल पे खेलेंगे, बॉटम मिडिल बोल सकते हो, और यहाँ पे बॉटम में भी प्ले कर लिया है अपन ने। और उसके बाद देखते हैं भाई अब क्या प्ले करेंगे। तो अभी तुम्हारा भाई प्ले करेगा रेड बॉल को राइट साइड डाउन पॉकेट पे, और फिनिश करेगा रेड को भी। और उसके बाद में अब आ जाता है पर्पल की बारी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सॉरी फॉर डैट, मैंने बंद नहीं किया है। और यहाँ पे भाई एकदम पूरी जान लगा के मारूँगा, क्यों मैं जितनी जान है ताकि अपनी ब्लैक वहाँ से निकल जाए और दोनों से बिछड़ जाए। तो भाई यहाँ पे बिछाड़ने का काम एकदम सही कर दिया है, पोजीशन भी एकदम परफेक्टली ले लिया है ब्लैक ने, बट यहाँ पे येल्लो अपनी करा दी है बहुत ही गंदी तरीके से पिटाई। तो भाई देखो अगर मैं येल्लो नहीं रहता तो गाइस अपन यहाँ पे प्ले कर सकते थे लेफ़्ट साइड डाउन पॉकेट पे, बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया है कि भाई अभी प्ले नहीं कर सकते हो, और अगर प्ले करते हो तो देखो भाई येल्लो जाएगा, सीधा सा बात है आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक 2 बॉर्डर शॉट ट्राई करता हूँ, अगर मैं ज़्यादा कुछ एंगल ले लेता हूँ तो ये कोलाइड होके यहीं पर रुक जाएगा, तो मैंने एंगल कम लिया है, और बट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे करना था एंगल, मैं कर देता गाइस तो कोलाइड हो जाता, सीधा से बात है। तो यहाँ पे छूट गया है, मिस हो गया है अपने से शॉट। तो भाई देखो मेरे को लग रहा है कि हाथ से गेम निकल चुका है, बट नहीं, यहाँ पे अपने को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है गाइस, तो उसका भी मौका अपन बहुत ही अच्छी तरीके से उठाते हैं, जो कि उठाने लायक होता नहीं है फिर भी अपन उठा लेते हैं।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गाइस गेम फिनिश दिख रहा है। अगर आप लोग होते तो गाइस ब्लू बॉल को सबसे आखिरी में प्ले करते हैं आई थिंक सो। कमेंट में बताओ आप लोग ब्लू बॉल आप लोग सबसे आखिरी प्ले करते हैं फ्रंट स्पिन यूज़ करके, ताकि ब्लैक की पोजीशन बन जाए। बट ये बंदा भाई कुछ अलग लेवल पे था, पता है, बहुत अलग लेवल पे। ये बंदा पहले कॉर्नर कॉर्नर के निकाल रहा है। बंदे ने सोचा कि ब्लैक को मैं मिडिल साइड बॉटम मिडिल में प्ले कर लूँगा, बट यहाँ पे भाई का एंगल धोखा दे जाता है उस टाइम पे। बट मतलब भाई जब आसान सा पोजीशन बनाओ तो इतना डिफ़िकल्ट क्यों चूज़ करने का। यहाँ पे एल्लो से थोड़ा बैक स्पिन यूज़ करके मारता तो बॉटम मिडिल तक उसका वाइड बॉल आता, उसके बाद में फ्रंट स्पिन यूज़ करके भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकता था, या राइट साइड फुल डाउन पे भी होता तो भाई यहाँ से सिंपल आप खेल सकते हो बैंक शॉट। बट यहाँ पे अपोनेंट को प्ले करना था हार्ड, तो भाई हार्ड के चक्कर में भाई का लग जाता है गेम का बर्लिन का। तो बैक स्पिन यहाँ पे फुल यूज़ किया है भाई ने, तो भाई कहाँ जाएगा बॉल, कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर फोर्स भी वैसे ही यूज़ करते तो आप यह बॉल निकल सकता था ब्लैक बॉल, बट यहाँ पे एंगल डिस्टर्ब्ड और भाई एकदम कंट्रोल में नहीं है एंगल। और यहाँ पे भाई अपने को पोजीशन एकदम टट्टी मिल चुकी है, यहाँ पे पोजीशन देख रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा भाई प्ले करेगा किस शॉट, मिडिल पे डाउन साइड बॉटम मिडिल पे। तो देखो भाई एंगल कुछ इस हिसाब से लगाऊंगा और मैं यूज़ करूँगा टॉप स्पिन, ताकि जब ब्लैक ऊपर जाए ना भाई तो अपना वाइट बॉल कोलाइड हो ब्लैक बॉल से। देख सकते हो मैं कैंसिल करता हूँ, पहले कैंसिल कर लेता हूँ वरना शॉट मिस हो जाएगा। अभी इसको फुल फ्रंट स्पिन यूज़ किया है मैंने, तो भाई देखो ब्लैक जैसे ही जाएगा वाइट भी उसको मारेगा, देख सकते हो भाई एकदम परफेक्ट भाई मज़ेदार वाला शॉट। शॉट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना गाइस, ज़रूर से बताना कि शॉट कैसा था जो लोग ने देखा है। मज़ा आया होगा आई होप सो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।